Please subscribe to our channel, and for latest updates, don't forget to press the bell button. आप लोग जो है वेब सीरीज की दुनिया में आ रहे हैं एंड डबल कांग्रेचुलेशन, दो भाई कह सकते हैं, दोस्ताना कह सकते हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो जरा बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस कि वेब सीरीज की दुनिया में। जितना मुझे बताया गया कि वेब सीरीज की शूटिंग जो है आज स्टार्ट हो चुकी है या कंप्लीट भी हो चुकी है, हो चुकी है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं क्योंकि मैंने काफ़ी टेलीविज़न किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बहुत अलग महसूस हुआ हर चीज़, और रश्मित के साथ शूटिंग करके बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं, रश्मित को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल बहुत मज़ा आया। हम दोनों के लिए फर्स्ट वेब सीरीज़ है, वेब की दुनिया में हम एक साथ कदम रख रहे हैं। हमारी पहली फिल्म भी एक ही साल में आई 2003 में आई थी, तो ऐसे लग रहा है कि हमारे ये जो करियर्स हैं टैंडम में चल रहे हैं और इस शो में हम, जैसे कि आपने कहा कि हम भाई बने हैं, राम लक्ष्मण जैसे जोड़ी है हमारी इस शो में, और हालांकि प्रेप करने में इतना वक्त मिला नहीं और हम सिर्फ शूटिंग के 2-4 दिन पहले ही मिले थे, लेकिन इंस्टेंटली वो कनेक्शन, जो केमिस्ट्री बनती है, वो जो इन कैरेक्टर्स के लिए बहुत एसेंशियल था, वो इंस्टेंटली हो गई हम दोनों के बीच में, एंड अभी भी है। यू कैन सी दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। वो उस वो करण जौहर वाली दोस्ताना वाला नहीं है ना? आई नो, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग भाई, मेरी ह्यूमर इतनी गंदी है, समझा करो। हां जी, तो आप बताइए कि पेशावर के बारे में। पेशावर में मैं हूं, बुल किंग में हम दोनों हैं, तो बुल किंग के बारे में ये बताएंगे। ये बेसिकली ये एक उन लोगों की कहानी है जो स्टॉक मार्केट के साथ का कनेक्शन है उनका, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है लेकिन है, और कैसे वो लोग अफेक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, और इस शो में सब नेगेटिव तरीके से। आप बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि हम दोनों भाई बने हैं द बुल किंग में, मेरा किरदार जो है बहुत ही चुलबुला, हंसी मजाक करने वाला टाइप का है, ये थोड़े से सीरियस है। पहले ये आते हैं मुंबई, छोटे से शहर से मुंबई आते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, फिर मैं आता हूँ, उनकी मैं एक तरह से इनकी पूजा करता हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर है कैरेक्टर का मेरा। पेशावर में बिल्कुल अलग है, एग्जैक्टली द रिवर्स है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंस डार्क कैरेक्टर है अबू शामिल का, जो जिसने एक्चुअली वो जो पेशावर अटैक्स हुए थे, मास्टरमाइंड वही था उन अटैक्स के पीछे, और मास्टरमाइंड होने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी उसी ने किया, तो एक वो एक डीप डार्क क्रेविस में जाना पड़ा मुझे ऑफ द ह्यूमन साइकी, क्योंकि जब आप कोई एक किरदार निभा रहे हो, यू हैव टू समहाउ जस्टिफाई योर एक्शंस, और टू जस्टिफाई समथिंग सो डार्क, जो इंसान बच्चों को यू नो का खून कर रहा है, इट्स अनफैदमेबल फॉर पीपल लाइक अस, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली गो इनटू दैट साइकी, एंड फिर उसके बाद तुरंत बाद ये शो आया मेरे पास, एंड जस्ट टू डू समथिंग विच इज़ सो लाइट हार्टेड एंड स्लाइटली मोर यू नो ऑन अ नॉर्मल इन द नॉर्मल जोन वाज वेरी वाज गुड टू एक्चुअली कट ऑफ फ्रॉम पेशावर एंड अबू शामिल। बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हम दोनों के लिए डेब्यू है वेब पे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि रिस्पॉन्स क्या होगा, एक्साइटेड टू सी कि हम लोगों ने काम कैसा किया, शो कैसे, यू नो द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल आर हार्ड वर्क। शूट के वक्त तो हमें लग रहा था कि कुछ स्पेशल बन रहा है, स्पेशली जो हम दोनों के बीच में सीन्स थे, देयर वाज दैट यू नो दैट कैमराडरी, जो भाईचारा होना चाहिए, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी विद अस एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स, वी हैड गुड एंड कास्टिंग वाज वेरी यू नो बैंग ऑन। हमारे जो डायरेक्टर है दीपक पांडे इज़ वेरी गुड विद एक्टर्स, एटलीस्ट यू नो एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, ही इज वेरी गुड विद एक्टर्स एंड यू नो गिविंग डायरेक्शन, सो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि एंड रिजल्ट कैसा है। वेब सीरीज की दुनिया हम देख रहे हैं कि ये जाल पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में, लोग पसंद भी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे एंड कितना?
कितना एंजॉय किया आपने, क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार है इसलिए? मैं कंटेंट की अगर बात करें तो मैं सिर्फ वेब सीरीज देखता हूँ, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था नॉर्मल, क्योंकि तो धीरे धीरे करके मेरे कहने के लिए ये मतलब नहीं कि मैं टीवी को मना कर रहा हूँ या मैं टीवी नहीं करना चाहता, वो एक अलग मीडियम है, और धीरे धीरे करके वेब इतना बड़ा होता जा रहा है कि शोज़ के बजट इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं, उनके फिल्मों के इतने बजट नहीं होते जितने कभी कभी किसी वेब सीरीज़ के होते हैं, तो वो दिमाग में रखते हुए ये जोन बहुत बढ़िया है, और इसकी ऑडियंस वो को स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, मुझे तो ऐसा मुझे पर्सनली तो लगता है कि किसी ऑडियंस को नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल्स को लगता है, उनकी रिसर्च टीम आके उनको बताती है कि एक टेलीविजन ऑडियंस जो है उसको उनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत है, उनको अच्छा कंटेंट पसंद नहीं है, उनको शार्प कंटेंट पसंद नहीं, उनको इंटेलिजेंट आईक्यू कम है, उनका आईक्यू कम, मुझे वैसा पर्सनली नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत क्लियर हैं, जो लोग देखते हैं वो भी बोलते हैं हमको नॉर्मल नहीं चाहिए, हमको रियल स्टफ चाहिए, हमको अच्छा चाहिए, तो एज एन आर्टिस्ट, चाहे वो आर्टिस्ट क्रिएटिव जो होता है, जो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, वो थोड़ा खुले में सोच सकता है और मज़ा आता है वो सब करने में, बंदिश नहीं है कोई। और इनके जैसे मैं भी टेलीविज़न बहुत कम देखता हूँ, इनफैक्ट कल मैंने बहुत अरसे के बाद टेलीविज़न टीवी ऑन किया था, इसलिए क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ बस, मैं भी इनके जैसे सिर्फ वेब शोज देखता हूँ, एंड आई थिंक जैसे कि इन्होंने कहा कि एक ये जो दौर चल रहा है होपफुली सेंसरशिप नहीं होगी और नहीं आएगी इस जोन में, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट को, और यू कैन एक्सप्लोर योर बाउंड्रीज, यू कैन गो क्रेजी विथ योर थॉट्स, यू कैन बी एज रियल एज पॉसिबल, यू नो कुछ लोग ओवर द टॉप जाते हैं, मान आई एग्री कि कुछ ओवर द टॉप जाते हैं नो डाउट, चाहे वो एक्सप्लिसिट कंटेंट के साथ हो या फिर गाली गलौज के साथ हो, देर आर सम इनिशियली जो बहुत ओवर द टॉप गए थे, बट आई थिंक कि वो अभी वो दौर चला गया, एंड पीपल आर नाउ ऑब्वियसली फोकसिंग मोर ऑन कंटेंट एंड बीइंग रियल, सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव कम इन सच अ बिग वे, एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि बिग बजट्स आर बीइंग यू नो पम्प्ड इनटू सम ऑफ द शोज, नॉट एवरीवन, देयर इज अ रेंज फॉर एवरीवन, सो एवरी एक्टर, एवरी डीओपी, एवरी डायरेक्टर, एवरी राइटर इज बिजी टुडे, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल। यू नो एक बात, जैसा कि आपने कहा आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि आपका जो कैरेक्टर है वो मार्केट में पैसे लगाता है, रियल लाइफ में कितना इन्वेस्ट करने में कितना बिलीव करते हैं? रियल लाइफ में मैंने ना आज तक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है और ना ही कभी लगाऊंगा, कोई खास वजह? मुझे बात पता ही नहीं क्या है, मैं घुसता ही नहीं उसके अंदर। अच्छा अश्विन जी आप बताइए, मैं मार्केट में पैसे लगाने में कितना बिलीव करते हैं? देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पे, हाँ मैं करता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हो तो फिर ठीक है, नॉट फ्रॉम अ स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है ना लोग स्पेकुलेशन करते हैं, वो सट्टा खेलते हैं कि आज हम डालेंगे कल निकालेंगे, आज फ्लक्चुएशन होगा तो यू नो ये ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, या नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे, वो इफ़ यू डू दैट इट्स लाइक गैम्बलिंग, एंड ऑफ द डे द हाउस टेक्स होम ऑल योर मनी, सो अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे तो आप हारेंगे हारेंगे, अनलेस यू आर रियली रियली गुड, देयर इज अ फ्यू ओनली हैंडफुल, चंद लोग हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं विथ मेकिंग अ प्रॉफिट, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनीज के क्रेडेंशियल्स, उनके फंडामेंटल्स को नज़र में रखते हुए, उनके बैलेंस शीट्स पढ़ के, या फिर आप किसी के पास जाओ जो इस चीज़ में माहिर हो, जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, यू नेवर लूज मनी। इनकी कंपनी थी अपनी? मैंने एक्चुअली फाइनेंस स्टडी किया हुआ है, और इंडिया वापस अमेरिका में, और इंडिया वापस आने के बाद मैंने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम किया, मैंने खुद का एक इंडेक्स भी बनाया था KSL 75 करके, तो हाँ थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन रुचि नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। इकबाल जी को भी आप उस दुनिया में थोड़ा लेकर आना चाहेंगे, थोड़ा सा और रुचि दिलाना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत तो नहीं रुचि दिलाने की, लेकिन ये रुचि मुझे पसंद नहीं, ये नहीं नहीं ये रुचि नहीं,
I mean, जैसे कि मैंने कहा अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ब्लू चिप कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको भूल जाना चाहिए कि 10, 15 साल 20 साल आपके बच्चों के एडुकेशन के लिए अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं तो या अगर आपको 1 लाख अभी डालना है, आपको पता है कि 15 साल के बाद वो 15 लाख हो जाएगा, यू नो दैट, और 10 लाख जो भी है. सो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आज के डेट में लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. चलिए जाते आते, आई थिंक अभी डेट तो नहीं आई है, रिलीज डेट नहीं है. बुलकिंग का रिलीज डेट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन पेशावर का डेट तय हुआ है, दिसंबर 16 को रिलीज होगी, क्योंकि एक्चुअली जो अटैक्स हुए थे 2016 में वो दिसंबर 16 को ही हुए थे, सो दैट इज़ द रीज़न वी आर रिलीजिंग पेशावर ऑन द सेम डे. फैंस को यही कहना चाहेंगे कि क्लीशे सी लाइन होती है, ये बहुत हटके शो है, लेकिन जेन्युइनली है. मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे ऐसे रोल में कभी देखा है, तो वो मैं जेन्युइनली कहूँगा कि ऐसा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.